मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों पर सीएम मोहन यादव मेहरबान हैं। उन्होंने लाडली बहनों के खाते में 1897 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसमें जो राशि दी गई है वह 1250 रुपए लाडली बहनों की किस्त है और 250 रुपए राखी का सगुन है। इसके साथ ही गैस सब्सिडी के लिए भी बहनों के खाते में पैसे डाले गए हैं। इसका लाभ प्रदेश की 25 लाख बहनों को मिला है। अभी गैस सिलेंडर की कीमत करीब 450 रुपये में उन्हें दी गई है और सिलेंडर की बाज़ार में कीमत 800 रुपये है, यानी कि गैस सिलेंडर पे भी लाडली बहनों को 350 रुपये की सब्सिडी मिली है। और पूरी राशि जोड़ देंगे तो बहनों को इस बार 1850 रुपये मिले हैं। इस खुशी में बहनों ने जगह जगह पर सीएम मोहन यादव को राखी भी बांधी है। ग्वालियर पहुंचे तो एयरपोर्ट पे ही उनका भव्य स्वागत किया गया। बहन ने राखी बांधी, भैया ने भी बहनों पर खूब प्यार लुटाया है, उन्हें भरोसा दिया है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, आगे चलकर महिलाओं के कल्याण के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की संख्या 1.29 करोड़ है और उन्हें हर महीने 1250 रुपये दी जाती है। इस बार राखी से पहले दे दी गई है। सुनिए सीएम मोहन यादव क्या कह रहे हैं। लाख बहनों के खाते में 1250 रुपया लाडली बहना का और 250 रुपया रक्षाबंधन का डाला गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश के साथ ग्वालियर अंचल में श्योपुर जिले के अंदर और सागर जिले में सागर संभाग में टीकमगढ़ दोनों स्थान पर मैं शामिल हुआ। यहाँ विजयपुर के स्थान पर माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री रामनिवास रावत जी, हम सब ने मिलकर के धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। आज के इस अवसर पर हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे यहाँ के सांसद हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी और राकेश शुक्ला जी सबके साथ ये आयोजन ग्वालियर में मना। पूरा सावन का महीना लगातार रक्षाबंधन में एक तरह से डूब गया और बहनों का प्यार जीवन भर बना रही है। कामना करते हुए नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ठोस काम करते हुए अब निकट भविष्य में और नई योजनाओं को भी लाने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार सबको बधाई। ग्वालियर में रीजनल कॉन्क्लेव होना है, आप लगातार आईटी 28 तारीख के दिन यहाँ हमारी रीजनल कॉन्क्लेव होगी, जिसमें ग्वालियर अंचल के सभी जिलों के अंदर विकास के काम में खास करके रोजगार परक उद्योग लाने के लिए हमने काम किया है। बेंगलोर में बड़े पैमाने पर इसके प्रस्ताव भी मिले हैं और केवल ग्वालियर नहीं, ग्वालियर के माध्यम से पुनः प्रदेश के लिए रीजनल अलग अलग क्रम में जैसे उज्जैन, जबलपुर, अभी ग्वालियर में आया है और ग्वालियर के बाद सागर संभाग में, सागर से रीवा में, ये लगातार रोजगार उद्योग बढ़ाने के लिए किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से उद्योग की ज़रूरत पड़ती है और उद्योग का विविध क्षेत्र है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी स्वयं सहायता समूह से लगाकर लघु कुटीर उद्योग, MSME, हैवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार के हॉर्टिकल्चर, सभी सेक्टर में हम समेकित प्रयास कर रहे हैं और अपेक्षित परिणाम भी मिल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये इकोनॉमी बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम होगा। ग्वालियर की इस कॉन्क्लेव के लिए मैं अभी से सब आपके माध्यम से भी आमंत्रित करता हूँ कि जो हमारे निवेशक या उद्योगपति ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं वो चलाते हुए अपने इकाई को बढ़ाने का काम करें, जो अपने एक धंधे से दूसरे धंधा करना चाहते हैं ऐसे सभी निवेशक आगे आए। हमारा प्रयास रहेगा जो स्थानीय प्रदेश और पूर्व से जो स्थापित उद्योगपति हैं उनको अपने काम में बढ़ावा पहले उनको दिलाएंगे, उसके अलावा बाहर से भी आने वाला है उनका भी स्वागत करेंगे, लेकिन मालनपुर से लेकर के पूरे क्षेत्र में उत्साह और बड़ा अच्छा हमारा ये कॉन्क्लेव होने वाला, ये गारंटी ले सकते हैं। प्रभात जी को भी श्रद्धांजलि देने, प्रमाणी प्रभात जी यहाँ ग्वालियर की धरती से उनने अपनी जीवन की यात्रा चालू की थी, राजनीतिक यात्रा के बाद सामाजिक क्षेत्र में भी उनने काम किया, पत्रकार के नाते से काम किया और असमय उनका जाना हम सबके लिए दुखद है। उनका पुण्य स्मरण करने के लिए हम यहाँ आए हैं
मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जल्दी विजयपुर सीट पर भी उपचुनाव होने हो गया आप।